बांसूर पंचायत समिति सभागार में साधारण बैठक प्रधान सुमन यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, लेकिन बैठक में बांसूर उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मौजूद नहीं थे। जब बैठक में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत आईं, तो उनके आने के बाद एसडीएम तथा तहसीलदार बैठक में पहुंचे। बैठक में बांसूर के समस्त सरपंच तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और सभी जनप्रतिनिधियों ने गर्मी के मौसम में बिजली तथा पानी की समस्या से मंत्री शकुंतला रावत को अवगत कराया, जिस पर मंत्री शकुंतला रावत ने अधिकारियों को समस्या का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं साधारण सभा की बैठक में एक महिला जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं थी। महिला जनप्रतिनिधि के बदले उनके परिवारजन बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि बांसूर में गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत बनी रहती है। उन्होंने कहा कि जहां पानी की किल्लत है वहां पर नए ट्यूबवेल खुदवाए जाएं और जहां पानी की ज़्यादा किल्लत है वहां पर टैंकरों के माध्यम से सप्लाई करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि बांसूर में जितने भी विकलांग हैं उनको जल्द ही ट्राईसाइकिल, स्कूटी तथा सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। वहीं उद्योग मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आवासीय पट्टे सहित उनके मकान बनाने के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। जो लोग असहाय और गरीब हैं उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, उन्हें जल्द ही इस राशि को मुहैया करा दिया जाएगा। इसको लेकर सभी सरपंचों को निर्देश दिए गए हैं। बैठक में नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा, उपखंड अधिकारी राकेश मीणा, तहसीलदार जगदीश बैरवा, पुलिस उपाध्यक्ष मृत्युंजय मिश्रा, सहायक अभियंता सीएस मीणा, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मनोज यादव सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लेकर के चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, आज की समस्या एक सबसे बड़ी पानी की है, उस पर चर्चा हुई है। टैंकर की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से हम करा देंगे। जहाँ बिजली के कनेक्शन कोई किसी कारणवश नहीं है उनके लिए निर्देशित कर दिया है। दूसरा, जो विकलांग है उनके लिए हमने कहा है कि सभी तुरंत प्रभाव से लिस्ट दे दें। पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें ट्राईसाइकिल दी जाए, जिससे जल्दी से जल्दी लिस्ट हमारे पास पूरी अवेलेबल हो जाए। तो और जो मूक वगैरह उनका सर्टिफिकेट तुरंत प्रभाव से बना करके उनकी पेंशन जारी करें। उन्हें अगर ट्राईसाइकिल या किसी चीज़ की ऐसे व्हीकल्स की ज़रूरत है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से अवेलेबल कराए जाएंगे। सभी विषयों पर चर्चा हुई है और सभी लोग, अधिकतर जो जनसुनवाई भी साथ साथ में हो गई है, जो लोगों ने समस्या दी है किसी को